what is defamation ipc chapter 21 clear the defamation section 499 defamation whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visual representations make ya publishes any imputation concerning any person intending to harm, या knowing, या having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said, except in the case had after accepted to defame that person. भारतीय दंड संहिता की धारा चार संन्यान्वय के अनुसार ये बताया गया है हमें कि जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपनों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लाछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि जिससे उस व्यक्ति को ख्याति को क्षति पहुँचे या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसे लाछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचे तो तत्पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि कराना कहलाएगा Explanation First. It may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives. ये स्पष्टीकरण फर्स्ट ये कह रहा है किसी मृत व्यक्ति को कोई लाछन लगाना मान हानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लाछन उस व्यक्ति यदि वह जीवित होता कि ख्याति की क्षति करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए आशियत हो एक्सप्लेनेशन टू इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग ए कंपनी या एन एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच ये बता रहा है कि किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी हैसियत में कोई लाछन लगाना मानहानि की कोटी में आ सकेगा Explanation थ्री एन इम्पटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव या एक्सप्रेस इनिकली में अमाउंट टू डिफेमेशन ये कह रहा है कि अनुकल्प के रूप में या व्यंगोति के रूप में अभिव्यक्त लाछन मान हानि की कोटि में आ सकेगा Explanation फोर नो इम्पोटेशन इज सेड टू हार्म पर्सन इन रिपोटेशन अनलेस दैट इम्पोटेशन डायरेक्ट Yeah, indirectly in the estimation of others, lowers the moral, yeah, intellectual character of that person. he yeah, lowers the character of that person in respect of his caste, yeah, of his calling. Yeah, lowers the credit of that person. Yeah, causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state. Yeah, in a state generally considered as disgraceful. कोई लाछन किसी व्यक्ति की ख्याति की क्षति करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लाछन दूसरे की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप की उपेक्षा ना करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसके आजीविका के संबंध में उसके शील की उपेक्षा ना करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे ना गिराए या विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घिरनी दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है हम आज इससे आगे जानेंगे क्या होती है मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को फैलाने का कार्य जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है एवं सामान्य रूप से अस्पष्टा पूर्ण उसकी ख्याति पर सवाल खड़े हो जाए तब वह कार्य मानहानि के अंतर्गत आएगा जैसे जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित या बोला गया कोई भी झूठा या और अनपेक्षिक बयान मानहानि है जैसे किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को आ, की मूल संपत्ति को सम्मान ही होती है एवं उसकी प्रतिष्ठा की क्षति उसकी मूल क्षति के अंतर्गत आती है और इस तरह की क्षति कानून द्वारा दंडनीय है यह लिखित या या मौखिक फिर दोनों प्रकार से की जा सकती है कब करें मानहानि का मुकदमा हम कब कर सकते हैं मानहानि का मुकदमा मानहानि से जुड़े हुए मामले सबसे आम प्रकार के मामलों में से एक है जो दुनिया भर के कानून की अदालतों में दायर किए जाते हैं भारत में आईपीसी की धारा चार सौ निन्यानवे के तहत कोई भी व्यक्ति जो महसूस करता है कि सार्वजनिक रूप से शब्दों या इशारों के माध्यम से बोलकर लिखित या अनुमान के द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा उस पर गलत आरोप लगाया गया है वह अदालत में मान हानि का मुकदमा दायर कर सकता है जिसमें दावा किया गया है कि लगाया गया आरोप उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला है मान हानि आम तौर पर उन लोगों द्वारा की जाती है जिनकी सार्वजनिक छवि होती है जैसे कि मशहूर हस्तियाँ प्रसिद्ध लेखक या पत्रकार उच्च पद धारण करने वाले लोग प्रख्यात पेशवर आदि